Hello my dear viewer, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I will teach you adjective. Student, adjective बात करेंगे आपका adjective होता क्या है. Adjective को हम हिंदी बोलते हैं विशेषण. विशेषण यानी कि adjective definition होती है आपकी an adjective is a word used to qualify a noun or pronoun. स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जो एडजेक्टिव होता है वो यूज़ किया जाता है इसलिए क्वालिफाई मीन्स क्या होता है विशेषता या किसी का गुण जो बता रहा है किसके बारे में ए नाउन और प्रोनाउन के यानी विशेषण वह शब्द होते हैं जो आपके नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन बताते हैं या उसकी क्वालिटी को उसको क्वालिफाई करते हैं. अगर हम इसका एक अर्थ निकालते हैं यानी क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव वह वर्ड जो आपके नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उनको आप क्वालिफाई करते हैं उनको स्टूडेंट्स हम एडजेक्टिव बोलते हैं. यहाँ पर मैंने आपके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जिनके थ्रू बड़े हम आसानी से समझेंगे कि आपका एडजेक्टिव होता क्या है और किस तरीके से आप उनका यूज़ कर सकते हैं. जैसे स्टूडेंट आपका फर्स्ट एग्जाम्पल दिया ही इज ए गुड वर्ड. स्टूडेंट एडजेक्टिव में एक डिटरमाइनर होता है कि एडजेक्टिव और डिटरमाइन में डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका डिटरमाइन होता है उसको केवल आप एडजेक्टिव नाउन से पहले हम उसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन एडजेक्टिव को आप नाउन से पहले भी यूज़ कर सकते हो और आप नाउन के बाद भी यूज़ कर सकते हो. डिटरमाइन में आपका जैसे ए सम ऑल नन लिटिल फ्यू इस तरीके ये आपके स्टूडेंट डिटरमाइन होते हैं और एड की बात करें तो अब नाउन की आपकी क्वालिफिकेशन बताता है जैसे ही इज ए गुड बॉय. तो स्टूडेंट यहाँ आपका नाउन है आपका बॉय और बॉय से पहले आपका वर्ड यूज़ किया गया गुड तो यहाँ ये बता रहा है ही इज ए गुड बॉय कि वह एक अच्छा लड़का है. तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका गुड यूज़ किया गया यह आपका एडजेक्टिव है. जैसे यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल बताया कि सी इज़ ए ब्यूटिफुल गर्ल तो यहाँ स्टूडेंट आपका नाउन क्या है नाउन है आपका यहाँ पर गर्ल और गर्ल की क्वालिफाई क्या कर रहा है उसकी विशेषता बता रहा है कि वो लड़की कैसी आपकी सुंदर है. तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल वर्ड यूज किया गया स्टूडेंट ये आपका एडजेक्टिव है. यहाँ बात करें हम नेक्स्ट एग्जांपल में कि ही हैज ए बिग हाउस तो हाउस स्टूडेंट आपका नाउन है और नाउन से पहले हमने यहाँ पर विग का यूज किया है तो ये आपका क्या है एडजेक्टिव है जो कि आपको नाउन की क्वालिफिकेशन बता रहा है. यहाँ पर है सुरेन इज ए हैंडसम एंड इंटेलिजेंट यानी कि सुरेन नाम का कोई वो है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है आपका स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट एंड हैंडसम. यहाँ बताया गया इट इज ए चार्मिंग सीनरी तो ये वर्ड जो आपका चार्मिंग यूज किया गया स्टूडेंट ये बता रहा है ये जो सीनरी है बहुत ही सुंदर है या आपकी ये बहुत ही भव्य है. तो यहाँ पर जो चार्मिंग वर्ड है ये क्वालिफाई कर रहा है आपकी सीनरी नाउन को. नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट आपका यू आर रिच तुम अमीर हो तो यहाँ ये जो रिच वर्ड यूज़ किया गया है स्टूडेंट ये हमने यहाँ पर यू को एज सब्जेक्ट यूज किया है तो रिच किसी क्वालिफिकेशन बता रहा है इसकी यू की. नेक्स्ट आपका दिस टेबल इज हैवी यानी कि जो टेबल है स्टूडेंट ये हमने यहाँ किया टेबल आपका नाउन होता है स्टूडेंट और नाउन के बाद हमने यहाँ पर एडजेक्टिव को यूज़ किया है. तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो डिटरमाइन होता है स्टूडेंट उसको हम नाउन से पहले ही यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपका एडजेक्टिव है तो आप एडजेक्टिव को नाउन से पहले भी यूज़ कर सकते हो उस नाम के बाद भी. यहाँ बताया गया स्टूडेंट दिस फोन इज ब्लू यानी कि जो फ़ोन है ये आपका नीला है या तो यहाँ पर ये फ़ोन आपका स्टूडेंट नाउन है और इसके बाद जो हमने वर्ड यूज़ किया है ब्लू ये आपकी क्वालिफाई किसको कर रहा है फ़ोन को बता रहे हैं यानी फ़ोन कैसा स्टूडेंट आपका ब्लू है तो ये इसको नाउन को क्या कर रहा है स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि ये वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं क्वालिफाई करते हैं या उसकी क्वालिटी बताते हैं उसकी विशेषता बताते हैं उनको आप एडजेक्टिव बोलते हैं या उनको आप विशेषण बोलते हो. जैसे हाँ मैंने बताया है कि हेयर गुड ब्यूटिफुल विग हैंडसम इंटेलिजेंट चार्मिंग रिच हैवी ब्लू आर एडजेक्टिव. तो स्टूडेंट ये आपके कुछ एग्जांपल थे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. तो स्टूडेंट इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपका यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होता है. एडजेक्टिव के मैंने कई यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिए जिनसे आप आसानी से समझ गए होंगे
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपका काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्या था जो आपकी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको स्टूडेंट हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ बात आती है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि जो आपका एडजेक्टिव है यानी विशेषण, उसके स्टूडेंट कितने टाइप्स होते हैं या कितने काइंड्स होते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर शॉर्ट में समझेंगे कि वो होते क्या और उनका हम किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट होता है स्टूडेंट आपका प्रॉपर, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर जो यूज़ किया जाता है स्टूडेंट वो किया जाता है व्यक्तिवाचक के लिए, यानी कि जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको हम एडजेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है स्टूडेंट, जो किसी पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में आपको बताता है, यानी प्रॉपर के लिए एक आपके व्यक्तिवाचक, तो उसको हम यहाँ आपका जैसे इंडिया, इंडियन, अफ्रीकन, अमेरिकन और यूरोपियन। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आपका वर्ड यूज़ किया गया इंडियन, इंडियन की अगर आप प्रॉपर नाउन अगर आप यूज़ करोगे तो वो होता है आपका स्टूडेंट इंडिया। प्रॉपर क्या एक प्लेस है आपका इंडिया, तो इंडिया से आपका बना इंडियन, अफ्रीका से अफ्रीकन, अमेरिका से स्टूडेंट आपका अमेरिकन और यूरोपियन बना आपका यूरोप से। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो आपके एडजेक्टिव आपके प्रॉपर नाउन से जो बनते हैं उनको आप प्रॉपर एडजेक्टिव बोल सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक। क्वालिटी मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का हम जब हम गुण के बारे में बताते हैं, यानी कि बोलते हैं किसी के रंग रूप के बारे में बताते हैं कि वो सुंदर है, या कलर वगैरह के बारे में आप बात कर सकते हैं इसमें, तो ये बताया कि ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी वही हम बोल सकते हैं कि नाउन की क्वालिटी यानी कि विशेषता बताता है स्टूडेंट, उसको आप बोल सकते हो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ अब आपका बताया गया कि ऑनेस्ट मैन, ब्यूटीफुल गर्ल, विग सिटी, लार्ज बिल्डिंग एंड ब्लैक काउ। तो स्टूडेंट इनके पीछे आपके सब नाउन आ रहे, देखो मैन है यहाँ पर आपका, गर्ल है, काउ, बिल्डिंग, सिटी, तो इनको क्या है स्टूडेंट, ये इनकी क्वालिटी बता रहा है, यानी किसी की क्वालिटी, जैसे ऑनेस्ट मैन, तो ये जो आपका मैन है स्टूडेंट ये आपका नाउन है, तो इसका ये क्या ऑनेस्ट, यानी कि ये बात कर रहा है किसी जो ईमानदार व्यक्ति उसके बारे में। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ईमानदार होता है आपका। बात करें हम इसमें ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल जो यूज़ किया गया स्टूडेंट ये क्वालिफाई कर रहा है आपकी नाउन गर्ल, यानी लड़की कैसी आपकी सुंदर है, तो ये यहाँ किसी की क्वालिटी बता रहा है, यानी किसी की कि वो लड़की कैसी आपकी सुंदर है। वीक सिटी, सिटी कैसी स्टूडेंट आपकी, वेग है। लार्ज बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसी आपकी, बहुत बड़ी है, लार्ज है। यहाँ बता रहा है कलर के बारे में कि ब्लैक का हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपकी जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यानी हम बोले नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ये होते हैं आपके परिणाम, जो मात्रा जो यूज करते हैं फिजिक्स में, ये नाउन की परिणाम यानी मात्रा को क्या करते हैं, बताते हैं उसके बारे में, जैसे होल, सम, एनफ, नो, फुल, मच, सफिशियंट। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट आपके ये बताते हैं नाउन के क्वालिटी। जैसे कि हम बात करें सम, सम मीन्स क्या होता है कुछ, एनफ मान बहुत ज़्यादा, नो मीन्स नहीं, फुल मीन्स बहुत, मच मीन्स ज़्यादा, सफिशियंट अधिक होता है। तो स्टूडेंट ये क्या बता रहे हैं किसी भी नाउन के बारे में, उसके परिणाम के बारे में, जिन शब्दों से हमें पता चलता है, ये आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका पसेसिव एडजेक्टिव। पसेसिव मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ये होते हैं अधिकार, जो आपको नाउन के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे माय, हिज, हर, योर, देयर। तो जैसे हम बोले कि माय पेन, हिज ब्रदर, तो ये क्या है नाउन के आपका अधिकार दिखा रहे हैं कि दिस इज माय पेन। तो ये स्टूडेंट यह हमने माय को यूज़ किया, तो ये क्या बता रहा है कि ये मेरे पेन पे क्या है अधिकार दिखा रहा है। तो ये आपके होते हैं पसेसिव एडजेक्टिव में आते हैं आपके माई, हिज, हर, योर, देयर, इस तरीके से। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका फाइव नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, संख्यावाचक, यानी कि ये जो एडजेक्टिव होते हैं इनसे हमें पता चलता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या उनकी संख्या को डिनोट करते हैं या उनके ऑर्डर को, ये क्या हमें बताते हैं। ऑर्डर की बात करें तो स्टूडेंट ये आपके एग्जांपल देंगे, वन, टू, थ्री, मैनी, ऑल, फ्यू, सम, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट। तो ये जो स्टूडेंट आपके जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ये हमें बताते हैं
कि किसी भी वस्तु के ऑर्डर को या नाम के बारे में। इसमें स्टूडेंट आपके मैंने यहाँ ए बी सी इस तरीके से मैंने इनको यूज़ किया है, इनके जो आपके पार्ट में रहते हैं यानी एडजेक्टिव को नंबर में, इनके आते हैं आपके डेफिनेट डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, ये होते हैं स्टूडेंट एग्जिट नंबर होते हैं। और एग्जिट में क्या होता है स्टूडेंट, निश्चित संख्या क्रम के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। डेफिनेट तो आप जानते हैं क्या होता है, निश्चित होता है यानी किसी के बारे में हमें एक सीक्वेंस देता है एकदम प्रॉपर सीक्वेंस, जैसे कि 1 2 3 ये आपके स्टूडेंट ऑर्डिनल्स नंबर कहलाते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपके ऑर्डिनल्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। और आपसे कोई भी जनरली पूछ सकता है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बेटा कार्डिनल्स नंबर क्या होते हैं ऑर्डिनल्स नंबर क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो कार्डिनल्स में आपके 1 2 3 आते हैं और ऑर्डिनल्स में आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आते हैं। बी फॉर स्टूडेंट्स आपका इसका इंडेफिनेट यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये एग्जिस्ट नंबर और ऑर्डर को व्यक्त नहीं करते। ये जो डेफिनेट था स्टूडेंट ये एकदम प्रॉपर वे में था, और यहाँ पर क्या है आपका इंडेफिनेट में आपका ये स्टूडेंट प्रॉपर वे में यानी ऑर्डर को सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते, जैसे कि एनी ऑल फ्यू सम सेवरल मैनी सर्टेन, तो ये इनको फिक्स ऑर्डर नहीं आ रहा। एनी कोई भी, ऑल मीन्स सम, फ्यू मीन्स कुछ नथिंग, सम माने कुछ, सेवरल माने बहुत ज़्यादा, मैनी मीन्स बहुत, सर्टेन माने, तो इस तरीके से ये स्टूडेंट आपके एक तरीके से हम बात करेंगे ऑर्डर और नंबर को ये एक तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, एक नंबर में नहीं होते, सर्टेन नंबर नहीं होते इनका कोई। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, व्यक्तिवाचक या हम कहें व्यक्ति विशेष, ये बताते हैं हमें किसी के बारे में सीक्वेंस के बारे में, ये विस्तार के बारे में हमें बताते हैं, जैसे कि आइदर इच एवरी नाइदर, जैसे मैंने बताया आयदर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इससे पहले जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, तो ये स्टूडेंट आपके आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका सिक्स नंबर डेमोनस्ट्रेटिव एडजेक्ट, डेमोनस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट संकेत वाचक, यहाँ बात होती है इट पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग, इस तरह के एडजेक्टिव होते हैं यानी इसका मीन्स होता है स्टूडेंट ये बताते हैं हमें किसी भी एक फिक्स पॉइंट के बारे में, हमें संकेत करके बताते हैं कि जैसे कि दिस देट दिस सच दिस दिस इज अ बैड दैट इज फॉर दीज आर स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव स्टूडेंट आपके पार्टिकुलर व्यक्ति या स्थान को व्यक्त करते हैं यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जिनसे हमें नॉलेज मिलती है हमें पता चलता है कि, तो ये संकेतवाचक कहलाते हैं डेमोनस्ट्रेटिव में आपके स्टूडेंट दिस दैट दिस सच दिस, इस तरीके से ये आपके में। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली से जो बिलोंग करते हैं यानी कि आपके प्रश्नवाचक जो विशेषण होते हैं स्टूडेंट, ये एडजेक्टिव हैं जो हमसे प्रश्न करते हैं यानी कौन सा क्वेश्चन हमसे करते हैं एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, जैसे आपका व्हाट, व्हाट इज योर नेम, हु इज लव यू, हु इज योर, या विच इज योर, या वेयर इज, तो स्टूडेंट ये आपके जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये आपसे क्वेश्चनिंग करने का काम करते हैं यानी आपसे प्रश्न पुट अप करने के काम में आते हैं, तो इनमें आपके व्हाट, हुम, हुज, व्हिच, वेयर, तो इटीसी ये आपके इसमें आते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव यानी एम्फसाइज मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, किसी को दबाव देना या जोर डालना, ये नाउन को जोर डालने हम कहें इम्प्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं यानी हम बात करें किसी के ऊपर कि जैसे कि आपके इसमें एग्जांपल दिया है आवर वेरी क्विट, तो ये स्टूडेंट क्या आपके ये नाउन को एक तरीके से उसके ऊपर इम्प्रेशन करते हैं यानी कि दबाव डालते हैं उसके ऊपर, तो ये आपके इसमें आवर वेरी क्विट आते हैं। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट टूल स्टूडेंट आपका ये एक्सट्रीमली एडजेक्टिव, ये हमने अभी इस वीडियो में हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या होता है और हमने एडजेक्टिव के पार्ट्स के बारे में पता किया कि ये एडजेक्टिव के पार्ट्स होते हैं, तो इसमें लास्ट पार्ट जो होता है टोटल स्टूडेंट आपके जो एडजेक्टिव होते हैं वो आपके 9 होते हैं जैसे मैंने आपको भी बताया, तो लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इसमें आता है स्टूडेंट आपका व्हाट, ये एक तरीके से हम कहें एक्सक्लेमेटरी क्या होता है विस्मय होता है, किसी चीज़ को देखकर हम एक तरीके से आश्चर्य करते हैं ना, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल या हम कहें व्हाट एन आइडिया, तो ये जो वाट का ये एक्सक्लेमेशन यानी आश्चर्यचकित के लिए हम यूज करते हैं, तो स्टूडेंट इसमें आपका केवल व्हाट आता है यानी कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या करें ओ कितनी खूबसूरत या कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट एन आइडिया ओ कितना अच्छा आइडिया या कैसा आइडिया,
तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आपका जो वर्ड यूज़ किया है ये आपका एक्सक्लेमेशन के हेतु किया जाता है, यानी उसके लिए। तो ये था स्टूडेंट आपकी वीडियो में आज। तो इस वीडियो में हमने स्टूडेंट बात की एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के काइंड्स यानी उनके कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में हमने समझा यहाँ पर। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट किया करें। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप मुझसे पूछें, और आपके पास अगर कोई बेटर सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे उसे बताएं, आपका सजेशन माना जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।